दोस्तों आज की कहानी भारत सरकार के खुफिया विभाग यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग या फिर कहें अनुसंधान और विश्लेषण विंग की है। आम जबान में इसको हम रॉ कहते हैं। किस्से कहानियों, फिल्मों और किताबों में हम अक्सर रॉ के खुफिया कारनामों के किस्से सुनते आए हैं, लेकिन इन कहानियों के किस्से जितने रोमांचक और थ्रिलिंग सुनाई देते हैं, असल में एस्पियॉन्ज यानी जासूसी की दुनिया उतनी ही खतरनाक और रहस्यमयी होती है। रॉ की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। अगर इस दुनिया की टॉप मोस्ट सीक्रेट एजेंसीज की बात करें तो रॉ का नाम टॉप 5 में शुमार है। जी हाँ, रॉ की काबिलियत आज उसको CIA, M16, मुसाद और KGB जैसी विश्व प्रसिद्ध प्रतिष्ठित एस्पियोनाज एजेंसीज के लेवल पर लाकर खड़ा कर चुकी है। बांग्लादेश का जन्म हो या पाकिस्तान के कहुता से उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम का ब्लूप्रिंट खोज निकालना हो, अफगानिस्तान में इंडिया का बढ़ता इन्फ्लुएंस हो या फिर सिक्किम का इंडिया में एक्सेशन हो, इंडिया के फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट की सीक्रेसी मेंटेन करना हो या कोल्ड वॉर के दौरान कई अफ्रीकन देशों के इंडिपेंडेंस मूवमेंट को सपोर्ट करना हो, रॉ की कामयाबी के जितने किस्से आपको बताएं उतने कम हैं। खैर, आज इस वीडियो का मकसद इसी रॉ के ओरिजिन, हिस्ट्री, ऑब्जेक्टिव्स और स्ट्रक्चर को समझना है। इतना ही नहीं, वीडियो के अंत में हम रॉ के वन ऑफ द टॉप स्पाई मास्टर्स या उसके फाउंडिंग फादर KN राव के बारे में भी जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी IQ में। दोस्तों, रॉ का जन्म तो भारत की आजादी के लगभग 20 साल बाद 1968 में हुआ, लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि उससे पहले इतने सालों तक भारत में इंटेलिजेंस गैदरिंग का काम कौन किया करता था। तो उसका जवाब है IB यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो। जी हाँ, रॉ के बनने से पहले इंडिया के लिए इंटरनल और एक्सटर्नल इंटेलिजेंस गैदर करने का काम ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाई गई इंटेलिजेंस ब्यूरो ही किया करती थी। असल में बात है 20वीं शताब्दी के पहले दशक की। इंडिया पर इस समय ब्रिटिश हुकूमत का राज था। आज इसी हुकूमत के खिलाफ आजादी की जंग छिड़ चुकी थी। बढ़ती रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज पर नजर रखने के लिए 1909 में अंग्रेजी सरकार ने इंग्लैंड में इंडियन पॉलिटिकल इंटेलिजेंस ऑफिस की स्थापना की। 1921 में इसका नाम बदलकर इंडिया पॉलिटिकल इंटेलिजेंस यानी IPI रख दिया गया। इसका काम इंडियन ऑफिशियल्स और कुछ विदेशी खुफिया एजेंसीज के साथ मिलकर इंटेलिजेंस गैदर करना था। 1930s आते आते जब यूरोप में उथल पुथल बढ़ने लगी, उस समय अंग्रेज सरकार ने IPI का स्कोप बढ़ाकर इंडिया के बॉर्डर्स और उसके पार चल रही गतिविधियों की खुफिया जानकारी हासिल करने की जिम्मेदारी भी IPI के कंधों पर सौंप दी। खैर, 1947 में भारत देश आजाद हुआ और इंडियन पॉलिटिकल इंटेलिजेंस का नाम बदलकर इंटेलिजेंस ब्यूरो रख दिया गया। इंटेलिजेंस ब्यूरो होम मिनिस्ट्री के अंडर काम करने लगी। IB का दायरा केवल भारत की सीमा के अंदर तक ही सीमित था। संजीव पिल्लई IB के पहले इंडियन डायरेक्टर बने, लेकिन ब्रिटिशर्स के जाने के बाद IB में ह्यूमन रिसोर्स की क्राइसिस बढ़ने लगी। ऐसे में पिल्लई ने पूरे IB को ब्रिटिश डोमेस्टिक इंटेलिजेंस एजेंसी M15 की लाइंस पर रीस्ट्रक्चर करना शुरू किया, लेकिन यह आगे चलकर एक मेजर डिजास्टर साबित हुआ। दोस्तों, ये हम सभी जानते हैं कि कैसे 1962 में चाइना ने इंडिया पर अटैक किया, और ये हमारी इंटेलिजेंस सर्विस यानी IB का अभी तक का सबसे बड़ा ब्लंडर साबित हुआ। कहा जाता है कि इस बॉर्डर वॉर में इंडिया की मिजरेबल परफॉर्मेंस का अगर एक सबसे बड़ा कारण था तो वो थी IB की फेल्ड इंटेलिजेंस। मेजर जनरल VK सिंह 2007 में आई अपनी बेस्ट सेलिंग बुक इंडियाज एक्सटर्नल इंटेलिजेंस सीक्रेट्स ऑफ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग में कहते हैं कि IB उस समय बॉर्डर के पास हो रहे चाइनीज बिल्डअप को ही डिटेक्ट नहीं कर पाई, और इसी नाकामयाबी के चलते इंडिया को एक बड़ी डिफीट हाथ लगी। इस वॉर में हाथ लगी एम्बैरेसमेंट के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को अभी रियलाइज हो चुका था कि भारत के बॉर्डर्स पर बढ़ते हुए थ्रेट्स को काउंटर करने के लिए केवल IB का होना ही काफी नहीं है। इस वॉर के बाद इंडियन गवर्नमेंट को यह सबक मिल चुका था कि उन्हें अब एक डेडिकेटेड फॉरेन इंटेलिजेंस की सबसे ज्यादा जरूरत है। 1965 में हुए इंडो पाकिस्तान वॉर के बाद ये बात और भी ज्यादा स्पष्ट हो गई। उस समय के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल जयंतो नाथ चौधरी ने भी इस बात पर पंडित नेहरू का सपोर्ट किया, और इसी के चलते 1966 आते आते इस सेपरेट फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी के आइडिया ने एक कॉन्क्रीट शेप लेनी शुरू की, और आखिरकार इंदिरा गांधी के नेतृत्व में 1968 में रॉ की फाउंडेशंस रखी गईं। तो दोस्तों, ये थी कहानी रॉ के जन्म की। अब आइए एक नजर स्ट्रक्चर और फंक्शंस पर डालते हैं।
दोस्तों वैसे तो रॉ के स्टाफ एडमिनिस्ट्रेशन बजट आदि जैसे ऑर्गेनाइजेशनल फीचर्स की एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में अवेलेबल नहीं है, लेकिन कुछ थिंक टैंक और फॉरेन रिसर्च एजेंसीज के एस्टिमेट्स बताती हैं कि रॉ की शुरुआत कुल 250 लोगों के स्टाफ और 20 मिलियन रुपीज के बजट के साथ हुई। अर्ली 1970s में इसका एनुअल बजट 300 मिलियन रुपीज तक बढ़ाया गया और उसके पर्सनल्स का नंबर हजारों की तादाद तक पहुंच गया। इसी दौरान रॉ के साथ धीरे धीरे कई स्पेशलाइज सब एजेंसीज भी जुड़ने लगी, उदाहरण के तौर पर रेडियो रिसर्च सेंटर 1970s और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक सर्विसेज 1980s में रॉ के अहम हिस्से बनी। 1971 में रॉ चीफ के कहने पर गवर्नमेंट ने रॉ में एक एविएशन रिसर्च सेंटर भी ऐड किया, जिसका काम था राइवल देशों के एरियल मिलिट्री स्पेस की स्टडी करना। ARC की बदौलत ही चाइना और पाकिस्तान से स्टेट बॉर्डर एरियाज के एरियल स्पेसेस शार्प निगरानी में रहे। रॉ के एक एक्स ऑफिसर आरके यादव अपनी एक रिपोर्ट 1971 बांग्लादेश वॉर रॉ हीरोज इंडिया फॉरगेट टू ऑनर में बताते हैं कि 1970s के दशक में बंगाली रिबल्स को ट्रेन करने के लिए रॉ के अंडर एक स्पेशल फ्रंटियर फोर्स का भी गठन किया गया, लेकिन 1977 में इंदिरा गांधी को हटाकर मुरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बने। कुछ इंडियन हिस्टोरियंस मानते हैं कि PM मुरारजी देसाई को लगता था कि इंदिरा गांधी द्वारा देश में लगाई गई इमरजेंसी में रॉ ने उनका बहुत साथ दिया। इसके चलते उन्होंने रॉ की कैपेबिलिटीज को रिड्यूस करने के लिए उसके ऑपरेशंस और स्टाफ को ड्रामेटिकली कट किया, और तो और उन्होंने रॉ के कई सबॉर्डिनेट एजेंसीज को भी शट डाउन किया। लेकिन कुछ ही समय बाद इंदिरा गांधी फिर से सत्ता में आई और उन्होंने रॉ पर लगाए गए सभी रेस्ट्रिक्शंस हटा दिए। खैर इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए 2004 में रॉ में नेशनल टेक्निकल फैसिलिटीज ऑर्गेनाइजेशन को भी सेटअप किया गया, बाद में इसका नाम बदलकर नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन रख दिया गया। रॉ के ऑफिसर्स की बात करें तो पहले उनका चयन केवल इंडियन पुलिस सर्विस ऑफिसर्स या फिर आर्मी के हाई ऑफिशियल्स के बीच से किया जाता था, लेकिन अब ये नियम पहले के मुताबिक काफ़ी फ्लेक्सिबल हो गया है। आज अलग अलग फील्ड के स्पेशलाइज स्कॉलर्स और बाकी टेक्निकल फील्ड्स के लोगों को भी कड़ी ट्रेनिंग के बाद इसमें इंडक्ट किया जाता है। इसके अलावा US, ब्रिटेन आदि देशों की खुफिया एजेंसीज जहां उनकी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को रिपोर्ट करती हैं, वहीं इंडिया में रॉ चीफ डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करते हैं, और तो और रॉ चीफ PMO के कैबिनेट सेक्रेटरिएट में डिजिग्नेटेड सेक्रेटरी होते हैं। दोस्तों जैसे कि हमने देखा कि जिन हालातों में रॉ का जन्म हुआ उस समय उसके मेन टारगेट चाइना और पाकिस्तान ही थे। दोनों ही मुल्कों से हम जंग लड़ चुके थे और दोनों ही मुल्कों से हमारे रिश्ते बहुत खराब थे। फॉर्मर रॉ ऑफिशियल बी रमन अपनी बुक द काउबॉयज ऑफ रॉ डाउन मेमोरी लेन में कहते हैं कि अपने शुरुआती सालों में रॉ की दो प्रायोरिटीज थीं। पहली पाकिस्तान चाइना और ईस्ट पाकिस्तान के संदर्भ में इंटेलिजेंस गैदरिंग के थ्रू उन पर एक्सपर्टीज हासिल करना, और दूसरा पाकिस्तान में आ रहे मिलिट्री हार्डवेयर के इम्पोर्ट्स के ऊपर कड़ी नजर रखना। लेकिन धीरे धीरे उसका मैंडेट बढ़ता गया। आगे चलकर रॉ ने इंडिया से सटी बाकी कंट्रीज में हो रही पॉलिटिकल और मिलिट्री गतिविधियों को ट्रैक करने से लेकर इंडिया की विदेश नीति जैसे क्रिटिकल इश्यूज में अपना स्कोप बढ़ाना शुरू किया। अब रॉ का भारत की विदेश नीति में कितना इन्फ्लुएंस रहा, इस पॉइंट पर एक्सपर्ट्स के कुछ मतभेद हैं। एक तरफ इंडियाना यूनिवर्सिटी के पॉलिटिकल साइंस प्रोफेसर सुमित गोंगली जैसे एक्सपर्ट्स कहते हैं कि रॉ का हमारी फॉरेन पॉलिसी में कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, तो दूसरी तरफ एक्स आर्मी ऑफिशियल और इंस्टीट्यूट ऑफ पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज के फाउंडिंग डायरेक्टर दीपाकर बनर्जी के ब्लॉग का कहना है कि रॉ का चीफ डायरेक्टली हेड ऑफ स्टेट को रिपोर्ट करता है और इसी कारण हमारी विदेश नीति से जुड़ी हर छोटी बड़ी नीतियों में रॉ का इनपुट और डीप एनालिसिस शामिल है। अब जैसा कि हम जानते ही हैं कि रॉ अपनी सीक्रेसी के प्रति ऑब्सेशन के लिए जानी जाती है, तो ऐसे में जाहिर है उसके काम करने के तौर तरीकों और स्ट्रक्चर आदि की अधिक जानकारी वो बाहर नहीं आने देते। खैर वो जो भी हो, लेकिन अब तक आप जान चुके हैं कि कैसे IB से निकलकर रॉ का एक स्पेशलाइज फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी के रूप में जन्म हुआ। इसी के साथ हमने रॉ के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और उसके मैंडेट के बारे में भी अधिक से अधिक पॉसिबल जानकारी के ऊपर चर्चा की। लेकिन रॉ का कोई भी डिस्कशन हो और उसके फाउंडिंग फादर और दुनिया के वन ऑफ द टॉप 5 स्पाई मास्टर्स RN काओ का डिस्कशन ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो चलिए देखते हैं कहानी RN काओ और रॉ से जुड़ी उनकी यात्रा की।
दोस्तों आर्यन काव की कहानी शुरू करने से पहले आपको एक किस्सा सुनाते हैं। 1996 में पूरे इंडिया में बांग्लादेश के 25th एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन मनाया जा रहा था। इंडिया में कई राजनीतिक मीटिंग्स और कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज की गईं और एक ऐसे ही कॉन्फ्रेंस में एक बांग्लादेशी जर्नलिस्ट ने स्टेज से दूर बैठे एक स्मार्ट वेल बॉडीड पर्सन को देखा और उससे कहा कि आपको तो स्टेज पर होना चाहिए क्योंकि आपकी ही वजह से 1971 के वॉर का परिणाम इतना पॉजिटिव रहा। इस पर वो शख्स हल्के से मुस्कुराए और बोले कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया और स्टेज पर बैठे लोग ही उस विक्ट्री के असल हकदार हैं। इतना कहकर वो थोड़ा परेशान मन से बाहर की तरफ चले गए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये किसकी बात हम आपसे कर रहे हैं। तो ये दोस्तों अपनी आइडेंटिटी रिवील होने की वजह से परेशान होने वाले ये शख्स कोई और नहीं बल्कि रॉ के सबसे पहले डायरेक्टर रामेश्वर नाथ काव ही थे। रामेश्वर नाथ काव का जन्म 10th मई 1918 को वाराणसी में हुआ। 1940 में उनका चयन इंडियन पुलिस इंटेलिजेंस में हुआ। 1947 में जब इंटेलिजेंस ब्यूरो को एस्टैब्लिश किया गया तब उन्हें उसका असिस्टेंट डायरेक्टर बनाया गया। 1968 में जब इंदिरा गांधी ने CIA और M16 के लाइंस पर इंडिया के एक्सटर्नल मैटर्स के लिए एक सेपरेट स्पाई एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग बनाने का डिसीजन लिया तब रामेश्वर नाथ काव को इसका पहला डायरेक्टर बनाया गया और 1977 में रिटायरमेंट तक उन्होंने रॉ को लीड किया। और वो आर्यन काव ही थे जिन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता और अथक परिश्रम के बल पर रॉ को इंडिया की ही नहीं बल्कि पूरे विश्व भर की चुनिंदा प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसीज के ओहदे तक पहुंचाया। बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में इंडिया की जीत हो, सिक्किम का भारत में मर्जर हो या फिर साउथ अफ्रीका में अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस का एंटी अपार्थाइड स्ट्रगल, इन सभी की सक्सेस का एक मेजर हकदार अगर कोई था तो वो थे आर्यन काव। और ये सब काम उन्होंने बिना कोई हथियार उठाए केवल अपनी समझदारी के बल पर हासिल किया। इतना ही नहीं, आर्यन काव की काबिलियत पर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को इतना भरोसा था कि उन्होंने अपनी खुद की सिक्योरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी आर्यन काव को ही सौंप रखा था। 1982 में फ्रांस की एक्सटर्नल स्पाई एजेंसी के चीफ से जब कहा गया कि 1970 के दशक के वर्ल्ड के बेस्ट 5 स्पाई एजेंसी हेड्स के नाम बताएं तो उन्होंने काव को भी इसमें काउंट किया था। उनका कहना था कि फिजिकल और मेंटल अकम्पलिशमेंट्स का एक इनक्रेडिबल ब्लेंड होने के बावजूद इतना हम्बल इंसान उन्होंने पहले नहीं देखा। इतना ही नहीं, अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट और CIA के डायरेक्टर रह चुके जॉर्ज बुश सीनियर ने काव को एक अमेरिकन काउबॉय का एक छोटा सा स्टैचू प्रेजेंट में दिया जो जासूसी की दुनिया में काव के अनपैरेलल्ड कंट्रीब्यूशन का प्रतीक था। तो दोस्तों ये थी कहानी रॉ और उसके जन्मदाता आर्यन काव की। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।